यूपी के गोंदा में बड़ा हादसा। सिलेंडर में ब्लास्ट के बाद ढहे दो मकान, चार बच्चों समेत 8 की मौत, 6 घायलों को बचाया गया। घर पर जाम छलकने से पहले ही घिरे राजनीतिक कौले। नई आबकारी नीति पर गरमाई सियासत। भाजपा ने कहा ऑक्सीजन और दवाइयां घर तक पहुंचाने में विफल सरकार, अब शराब पहुंचाएगी। दिल्ली में न्यूनतम तापमान अब तक का सबसे कम, महीने के पहले ही दिन कई रिकॉर्ड ध्वस्त, बारिश ज्यादा तापमान कम। CBSE की 12वीं की परीक्षा रद्द होने से बच्चों अभिभावकों में खुशी। बच्चों ने कहा दूर हुआ मानसिक तनाव, बीते काफी दिनों से बच्चे व अभिभावक काफी तनाव में थे। भारत में बीते 24 घंटे में मिले 1,32,000 कोरोना केस, 3,207 मरीजों की हुई मौत। कोरोना वायरस संक्रमण में लगातार कमी आ रही है। मेहुल चौकसी बना दो देशों के PM की मुसीबत, लग रहे हैं भारत संग मिलीभगत के आरोप। डोमिनिका की कोर्ट को आज चौकसी के मामले में सुनवाई करनी है। स्वामी रामदेव का दावा, एक हफ्ते के अंदर लाने वाले हैं ब्लैक फंगस का आयुर्वेदिक इलाज। एक सप्ताह के अंदर ब्लैक फंगस, येलो फंगस और व्हाइट फंगस का आयुर्वेदिक इलाज लेकर आने वाले हैं बाबा। वार्षिक और विकास शुल्क से अभिभावकों की जेब होगी ढीली, अपील करेगी दिल्ली सरकार। अलग अलग स्कूलों में कक्षा के हिसाब से तय होते हैं ये शुल्क। अभिभावकों कहना है कि कोरोना काल में फीस पड़ेगी भारी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा ब्लैक फंगस की दवा में युवाओं को दे प्राथमिकता। अदालत ने कहा कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री को SPG सुरक्षा जरूरी, उसी प्रकार युवाओं की रक्षा करने की जरूरत। पाकिस्तान ने किया घरेलू वैक्सीन बनाने का दावा, लॉन्च की पाकवैक। इमरान खान के स्वास्थ्य सलाहकार डॉक्टर फैसल सुल्तान ने दी जानकारी।